तो वो लागू 2024 को ही होता है, तो उन्होंने नहीं किया, उन्होंने चुप डालते गए, दिखाना दिखाना। तो हाथी के दांत होते ना, दिखाने के एक और खाने के एक। वैसा मोदी जी का हो गया, मैंने लाया और क्या जश्न मना रहे उसका, औरतें आ रहे हैं, कोई फूल डाल रहे उसके ऊपर आ रहे, कोई पैर पड़ रहे, जिन्हों भी पैर पड़ रहे किसके, यानी जो चीज हम 30 साल पहले 89 में किए थे और उन्हीं की वजह से रुक गया था, और वही लोग आज हीरो बन के फिर रहे। तो लोग होशियार हैं, शाने हैं, ये कभी उनके झांसे में नहीं आएंगे। और जो कुछ किए हैं ये हमने किया है। आपको वोटिंग का अधिकार भी कांग्रेस ने दिया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, संविधान में जो इस देश का एक मामूली से मामूली कर्मचारी, किसान, लेबर, अमीर से अमीर आदमी, खेती करने वाला, दुकानदार, सबको अगर हक किससे मिला तो वो कांग्रेस के वजह से मिला। पहले कहां था, पहले तो यह था जो टैक्स देते थे उनको वोटिंग का अधिकार, जिस इनकम टैक्स देने वाले को, प्रॉपर्टी जिसके पास है उसको, ये लोगों को था। लेकिन आजादी के बाद हमने जो संविधान बनाया, उस संविधान में गरीब से गरीब को भी एक वोट और उसकी कीमत एक ही, अमीर से अमीर आदमी को भी एक ही वोट, उसकी कीमत भी उतनी ही। ये काम हमने किया और हमको बार बार पूछते तुमने क्या किया, अरे हमने तो ये लोकतंत्र में सबको हक दिया, अधिकार दिया। आज इतने लोग जो राहुल गांधी जी का पंचायत एक्ट, उसके तहत आज 14 लाख महिलाएं इलेक्ट हो गए हैं पंचायत में, जिला पंचायत में, तालुका पंचायत में, म्युनिसिपालिटी में, कॉरपोरेशन में। ये किसने किया? 14 लाख हमने करके दिखाया। और आज हमारे बहने, माताएं, भाई सब रोटेशन के तहत को अध्यक्ष बन रहे, हर कम्युनिटी के लोग हैं। अरे ये तो बीजेपी कभी भी नजदीक नहीं आने देती, यहां तक कि जो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति है हमारे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को वो नए बिल्डिंग इनॉग्रेशन में इनविटेशन भी नहीं दिया। ये है शेड्यूल ट्राइब के तहत, क्यों नहीं बुलाना? आप सिनेमा वालों को बुलाते हो, आप अपने लोगों को बुला बुला के दिखाते हो, तो वो इनॉग्रेशन के लिए आपने मुर्मू को क्यों नहीं बुलाया? वो तो अध्यक्ष है, राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति को अपमान करते हो और ऊपर से बोलते हैं हमने ये सब बनाया। देखो उनको अध्यक्ष बनाया, इनको ये क्या बनाया, नाम के वास्ते बनाते हो। और दूसरी चीज, जब उसका फाउंडेशन हुआ, उसके फाउंडेशन के वक्त भी हमारे जो कोविंद है राष्ट्रपति थे, उनको फाउंडेशन के वक्त भी नहीं बुलाया गया, क्योंकि वो अछूत है। अगर अछूत के हाथ से फाउंडेशन करेंगे तो नेचुरली फिर वो गंगा जल से लाके धोना पड़ता। तो इसीलिए क्या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को आपने एमएपी इंपॉर्टेंस दिया? मुझे बोलो, मैं ये सवाल शेड्यूल कास्ट के लोगों से पूछता हूं, शेड्यूल ट्राइब के लोगों से पूछता हूं, बैकवर्ड क्लास के लोगों से पूछता हूं, ये मर्यादा है? अरे आप राष्ट्रपति वो जब पार्लियामेंट बुलाते हैं तो हम लोग आते हैं, वो समन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर समन नहीं करता। लेकिन उनको ही नहीं वहां पर,
उनको ही जगह नहीं वहां पर, तो फिर ऊपर से बोलते हैं हम महिला का बहुत बड़ा इज्जत करते हैं। उन्होंने नाम लिया तो कित्तूर रानी चन्नम्मा का लिया, ठीक है, झांसी रानी का, ठीक है, ये तो इतिहास के पन्नों में ये सब है। लेकिन नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़।